बारह अलामत एक आदमी चुपके से आपसे मोहब्बत करता है लेकिन नहीं कहेगा। ज़रूरी नहीं कि कोई लड़का या मर्द आपका एक बेहतरीन दोस्त होने के बावजूद, आपको यकीन होने के बावजूद कि वो आपसे मोहब्बत करता है का इजहार करते। कुछ मर्द इजहार नहीं करते पर मोहब्बत बेपनाह करते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे ही मसले से दो चार हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो से आपको यकीनी तौर पर इस बात का इल्म हो जाएगा कि वो आपसे चुपके से मोहब्बत करता है लेकिन कहता नहीं है। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुँच जाएगी और आपको मेरी वीडियोज को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहली अलामत, जब वो मुस्कुराए। जब वो आपके बारे में फिक्र करता हो, उमूमन हर आदमी ऐसा नहीं करता, जब वो आपको देखे तो उसे एक खास एहसास हो और वो आपको देखकर मुस्कुरा दे, इसका मतलब उसे आपका ख्याल है और वो आपसे मोहब्बत करता है। दूसरी अलामत, जब वो आपकी सुने। जब आप बात करें किसी भी मौजू पर, चाहे वो अहम हो या गैर अहम, वो आपकी बात गौर से सुनेगा। वो आपसे कोई शिकायत ना करे जब वो आपके लिए अपना वक्त निकाले, वो खास आपके लिए फारिग हो। तीसरी अलामत, जब वो तस्वीर और यादों को ना भूल पाए। जब वो आपकी यादों में मगन रहे, जब उसे वो सब कुछ याद हो, वो लम्हात याद हों जब कभी आपने साथ वक्त गुजारे हों, जब वो आपकी तमाम तस्वीर को संभाल कर रखे, उन्हें देखे और आपकी गैर मौजूदगी में देखकर खुश हो। चौथी अलामत, आपकी राय। जब वो कोई भी मसला हो या उसे किसी काम का मशवरा लेना हो तो वो आपकी राय जरूर ले, चाहे वो उस पर अमल करे या ना करे, लेकिन आपसे वो मशवरा जरूर ले, इसका मतलब उसे आपसे अपनाइयत है, वो आपको अपना समझता है। पांचवी अलामत, जब उसे आप में दिलचस्पी हो। जब वो आपके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है सुनना चाहे, जब वो आपके दुख सुख में बराबर का शरीक हो, जब वो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहे। छठी अलामत, जब वो आपकी उदासी का साथी हो। जब उसे आपका एहसास हो, जब वो आपकी तकालीफ से अच्छे से वाकिफ हो, जब वो आपको समझे और साथ दे। सातवीं अलामत, जब आपकी मुस्कुराहट उसकी खुशी हो। जब वो आपको खुश देखना चाहे, जब उसे इस बात का इल्म हो कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद, जब वो आपको गमों से दूर रखे और जीना सिखाए। आठवीं अलामत, जब वो हंसाने की कोशिश करे। जब वो आपको खुश करने के लिए लतीफे सुनाए, हालांकि मुमकिन है वो इतना हंसता मुस्कुराता ना हो, जब आपकी खुशी इसकी पहली तरजीह हो, जब वो आपके और दूसरों के नखरे उतारे ताकि किसी तरह आपको खुश रख सके। नवी अलामत, जब वो आपसे मिलने के लिए वक्त निकाले, इसके बावजूद के उसके पास वक्त ना हो, वो आपसे मिलने के लिए वक्त निकाले, उसका आराम और खुशी का दिन वो होगा जब वो आपके साथ हो। दसवीं अलामत, जब वो आपके साथ जुड़ा रहना चाहे। जब वो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे और आपके साथ उसे वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगे, जब वो आपको देखकर खिल उठे, जब वो आपके बगैर बेचैन रहने लगे। ग्यारहवीं अलामत, जब वो आपके साथ सबसे अच्छा हो। जब उसका रवैया, उसका सलूक आपके साथ सबसे अच्छा हो, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में ऐसा मरहला भी आता है कि इंसान का रवैया बदल जाता है, लेकिन वो आपके मामले में बिल्कुल अलग हो। बारहवीं अलामत, जब वो सिर्फ आप तक महदूद हो। जब वो आपके अलावा किसी और की जानिब ना देखे, जब उसका सारा ध्यान, सारी तवज्जो आप पर हो। अगर आपके साथ कोई दूसरी दोस्त हो तो भी वो आपसे ही बातें करे और आप तक महदूद हो। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।